देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश में कोरोना फैलने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह विदेशों से आई हुई बीमारी है। जब पूरी दुनिया में यह फैल रही थी तब नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश चुनाव कराए जा रहे थे, जहां उन्होंने उस समय ही इंटरनेशनल फ्लाइट को रोक दिया देना चाहिए था, जहां किसान आंदोलन के बाद नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के बस में कुछ नहीं है। बघेल ने कहा कि यह सीजन नहीं उपलब्ध करा सकते थे, जहां यह कोयला नहीं उपलब्ध करा सकते थे और यह किसान को डीएपी नहीं उपलब्ध करा सकते हैं और वहीं नौजवानों के रोजगार नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, यह केवल दंगा करा सकते हैं। भूपेश बघेल ने यहाँ बरछावा विधानसभा के सेहुंगा में सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। सीधी बात यह है कि ये ओमिक्रॉन विदेश से आ रहे हैं तो वहीं से रोका जाना चाहिए। आप एयरपोर्ट में रोक लीजिए, पहले ही रोक लेते तो इतना नुकसान हमको, न जान का नुकसान होता, न माल का नुकसान होता। देखो हमारे हमारे देश का है क्या ये बीमारी? बाहर से आए तो आप तो नमस्ते काम कर रहे थे, उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बनाने पे लगे हुए थे और करोड़ों करोड़ लोगों को आपने बेघर बार कर दिया, करोड़ों लोग प्रभावित हुए, लाखों लोगों की मौत हुई। ये हरदोई के अतरौली चौपाल लगाया गया, जहां इस चौपाल में सभा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा जमकर बोले। भरावन में समाजवादी पार्टी विंग जय संकल्प यात्रा में बीजेपी पर सपा के नेता जमकर बरसे, जहां विजय संकल्प यात्रा चौपाल में अभिषेक मिश्रा ने महंगाई पर जमकर बोला और कहा कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ाई है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि संडीला से भटपुर मार्ग किसने बनवाया, जहां समाजवादी पार्टी ने, और हरदोई में मेडिकल कॉलेज बनवाया। सपा ने और बोला कि पेट्रोल डीजल के दामों में बीजेपी सरकार ने मांगा हुआ है। बीजेपी सरकार ने जो युवाओं के 1.5 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, सभी वादे झूठे निकले। किस नौकरी में पेपर लीक तो किसी नौकरी में पेपर रद्द तो किसी में जेल जाना पड़ा था। बीजेपी सरकार के सारे वादे झूठे हैं। खबर अयोध्या से है, जहां कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद राजस्थान से गिरफ्तार किए गए माफिया अजय सिपाही को अयोध्या पुलिस ने कोतवाली नगर लाया गया, जहां उनके समर्थकों का कोतवाली नगर में जमावड़ा रहा। फिर वहीं मेडिकल कराकर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजा दिया गया, जहां तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई पर माफिया अजय सिपाही ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के समय वो अपने परिवार के साथ दर्शन करने गया था, जो गिरफ्तारी करने वाले टीम को अपनी पत्नी को भी पुलिस कस्टडी में लाई और महिला पुलिस पर इस कार्रवाई में शामिल नहीं थी। बताते चले कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिपाही का गैंगस्टर कोर्ट ने NBW जारी किया था, जहां अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से माफिया अजय सिपाही को गिरफ्तार किया था और अयोध्या के कोतवाली नगर लाया गया था। था 18 तारीख को माननीय जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम था अम्बेडकर नगर में, वहाँ हमारे कई हज़ार लोग पहुँचे थे। 20 तारीख को अमृत महोत्सव प्रोग्राम था RSS का, वहाँ मैं पहुँचा था। उसको लेकर के वहाँ के एक पूर्व भाजपा प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी जी, जो लगातार 5 साल मेरी हत्या करने में आमादा है, मेरे परिवार को बर्बाद करने में आमादा है, वो चाहते हैं मैं विधानसभा चुनाव न लड़ पाऊँ, इसलिए उन्होंने शासन प्रशासन को गुमराह करके यहाँ मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, उसको उसका ब्रेन में ट्यूमर था, ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, वहाँ गया था उसका इलाज चेकअप कराने लिए मैं जाता हूँ। यहाँ 17 को 16 को यहाँ वारंट कराया जाता है इतनी जल्दी कि मुझको यहाँ पकड़ने लिए पुलिस वहाँ भेज दी जाती है। बालाजी में दर्शन करने गया था वहाँ। खबर अयोध्या से है, जहाँ पुलिस की कार्रवाई पर माफिया ने आपत्ति जताई है। जहाँ पुलिस की कार्रवाई माफिया अजय सिपाही को थाने लाया गया था, जहाँ पर आपत्ति जताई गई। आपको बताते चले कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय सिपाही का गैंगस्टर कोर्ट में NBW जारी हुआ था, जहां अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान से माफिया अजय सिपाही को गिरफ्तार किया था और अयोध्या के कोतवाली नगर लाया गया था।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके आपको बता दें कि ये एक अजय सिपाही जो है, ये माफिया, इसको इसकी गिरफ्तारी जो है कल राजस्थान के मेहंदी बाला जीपुर से हुई थी और इसको कल देर रात जो है अम्बेडकर नगर पुलिस ने इसको अयोध्या जो है नगर कोतवाली ले आई है और रात ही रात जो उसका मेडिकल करा करके और मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया। पेश करने के बाद इसको आज मॉर्निंग में, आज सुबह जो है इसको जेल भेजा गया है। राघवेंद्र, किस वजह से माफिया की आपत्ति, क्यों आपत्ति जताई जा रही है? देखिए, इस मामला, पूरा मामला ये था कि इसके ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा था जो कि गैंगस्टर कोर्ट ने इसको सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद इसको NBW वारंट जारी हुआ था और इसी मामले को लेकर के इसकी पुलिस जो है तफ्तीश कर रही थी और इसका सुराग जो लगा है वो मेहंदी बालाजीपुर राजस्थान के लिए लगा है और जो कि ये अपने पूरे परिवार के साथ में मेहंदी बालाजी गया हुआ था, वहां दर्शन करने के लिए गया था और वहां पे पुलिस इसको अपने कस्टडी में लिया था। कस्टडी में लेने के बाद कल ये अयोध्या लेकर के आई है, इसको अपने नगर कोतवाली पेश किया और पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और वहां से इसको मेडिकल कराई। मेडिकल कराने के बाद इसको जेल भेज दिया गया है। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से आपत्ति जताई है उसके बाद आगे क्या किया गया है? देखिए, आगे की रणनीति जो है वो उन्होंने डायरेक्ट सीधे उनके उसको जेल भेजा है। जेल भेजने के बाद उसने सीधे आरोप लगाया है कि अवधेश द्विवेदी कोई अम्बेडकर नगर से भाजपा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके ऊपर सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि ये साजिश है हमारे साथ में, जो कि ये राजनीतिक दांव खेला जा रहा है हमारे साथ और इस तरीके की वारदात अगर हो रही है तो ये बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी ये चुनौती हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। संबल की 3 फ्रोजन फैक्ट्रियों पर बस्ती जिले के बीजेपी नेता की शिकायत पर श्रम विभाग और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की संयुक्त टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी की है, जहां श्रम विभाग की टीम को छापेमारी करने पर मीट फैक्ट्रियों में काम करते हुए मजदूरों के बाल श्रमिक होने की आशंका पर दस्तावेज मांगे गए हैं। श्रम विभाग की टीम अल रहमान फ्रोजन फूड्स में पहुंची, जहां अल रहमान फ्रोजन फूड्स में भी कुछ मजदूर 18 साल से कम उम्र होने की आशंका पर फ्रोजन फैक्ट्री के आधार कार्ड मांगे गए हैं। श्रम विभाग की टीम ने बाल श्रमिक होने की आशंका पर नाम सहित जानकारी करके फैक्ट्री संचालक को बाल श्रमिक की पोस्टिंग होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके बाद श्रम अधिकारी ने अल फला फ्रोजन फूड पर पहुंचकर छापेमारी की तो अल फला फ्रोजन फूड से कुछ मजदूरों के आधार कार्ड मंगाए गए। 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी के बाद श्रम विभाग की टीम अब फैक्ट्री में मिले मजदूरों के बाल श्रमिक होने या नहीं होने की जांच में जुट गई है। फैक्ट्री पर की गई छापेमारी के पीछे बस्ती जिले के शिकायतकर्ता बीजेपी नेता अजय सिंह गौतम का नाम सामने आने पर संबल जिले के बस्ती के बीजेपी नेता से कनेक्शन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फैक्ट्रियों पे यहाँ पे चिमियावली में 3 फैक्ट्री हैं जो मीट फैक्ट्री हैं, उनमें कटिंग वगैरह होती है। इसमें जो है शिकायत के आधार पर हम लोग जो है निरीक्षण करने आए हैं। ये शिकायत थी कि छोटे बच्चों से 18 साल से कम उम्र के बालकों से ये कार्य कराते हैं, उसी संदर्भ में। इसके साथ साथ वो अनुसंगी जो श्रम अधिनियम है उसके संदर्भ में भी। बलरामपुर जनपद में 2 दिन पहले रूपनगर गांव में दबंगों ने ग्राम प्रधान की निर्मम हत्या कर दी, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई थी। इसी को लेकर आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मुठभेड़ में प्रधान की हत्या में लिप्त अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने बताया कि शामिल शिव नारायण उर्फ इजबी यादव, जो की पड़ोसी के देश नेपाल भागने की फिराक में था, जिसको बीते समय में एक तमंचा, 2 खोखा तथा 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। जहां गिरफ्तार किए जाने वाले स्थल पर ही अपराधियों ने पुलिस को देखते ही पुलिस टीम पर फायर किया, जहां जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें अपराधी शिव नारायण यादव बुरी तरह से घायल हो गया, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज जारी है। दिनांक 26 दिसंबर को थाना क्षेत्र महाराजगंज तराई के ग्राम रूपनगर में प्रधान श्री राधेश्याम वर्मा की हत्या हुई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। 4 लोग नामजद थे और तब से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी।
कल जो है मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि उनमें से एक अभियुक्त भागने की फिराक में है। जिस सूचना पर पुलिस टीम महाराजगंज तराई और SOG की हमारी टीम इनके द्वारा खाराजार नाले के पास में उसको ट्रेस किया गया और वहाँ पे पुलिस को देखकर अभियुक्त जो है भागने की कोशिश की और उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनको पैर में चोट आई। उसके बाद उसको उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिव नारायण उर्फ SB बताया गया। अभियुक्त शिव नारायण SB को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और उससे आगे की घटना के संबंध में पूछताछ की गई और उस पूछताछ के आधार पे दो अन्य अभियुक्तगण राम नारायण और श्याम नारायण उनको भी पुलिस महाराजगंज टीम द्वारा गिरफ्तार किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला बलरामपुर जनपद का है, जहां दो दिन पूर्व में एक प्रधान की हत्या पूर्व प्रधान द्वारा कर दी गई थी। तो उस पे बलरामपुर जनपद के SP हेमंत कटियाल द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें क्षेत्र अधिकारी राधा रमन सिंह व थाना प्रभारी लोग सब विवेचना कर रहे थे। और जहाँ पूर्व प्रधान को पकड़ा गया है, मुठभेड़ में पकड़ा गया है, जहाँ पूर्व प्रधान के गोली लग गई और मुठभेड़ में उसका सरकारी अस्पताल में दवाई इलाज चल रहा है। तो वहीं उसने जब उसको मुठभेड़ में जब गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि जो प्रधान थे वो हमारे बिरादरी के लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए हम लोग परेशान हो गए थे और रिश्तेदार के साथ में मिलकर उनको हम जान से मार दिए। बुलंदशहर में जनपद की ईंट निर्माता समिति की ओर से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ADM को ज्ञापन सौंपा गया। ईंटों की GST टैक्स में बढ़ोतरी होने पर सरकार का विरोध किया गया, जब GST 5% से 12% कर दिया गया। सरकार से GST में हुई बढ़ोतरी को लेकर सरकार से वापस लेने की मांग की गई है। पहले वाली स्कीम को ही वापस लाया जाए। भट्टा संचालकों का कहना है कि एक तो भट्टों का संचालन प्रदूषण की वजह से पहले से ही कम हो रहा है, अब ऊपर से अब GST में वृद्धि भट्टा संचालकों के लिए बहुत हानि है। वृद्धि के विरोध में सौंपा, जो भट्टे वालों पर GST कंपोजिशन में 1% थी। फरीदाबाद को अवैध निर्माण और गंदगी से मुक्त करने के नगर निगम कमिश्नर यशपाल के आदेशों के निगम को चुने हुए जनप्रतिनिधि का पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। मामला नगर निगम के वार्ड नंबर 9 का है, जहां पार्षद के महेंद्र की खुद अवैध निर्माण कराने में जुटे हुए हैं। जब इन पार्षद महोदय से फोन पर जानकारी मांगी गई तो इलाके में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं और इसी पर निगम कमिश्नर ने अवैध निर्माण को लेकर भी कहा कि उनका सहयोग करें और मामले की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण पर कुछ लोगों का कहना है कि सब कुछ पार्षद और अधिकारियों से मिलीभगत से चल रहा है, सब कुछ चढ़ावे पर निर्भर है। अब मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, आप भी सुनिए ये वायरल ऑडियो। ये अपना नंगला गुजरान रोड पे नीचे उतरते ही जो नंगला गुजरान इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे 8-10 जो है दुकानें बन रही थी लीगल, हमको क्या नाम है सूचना मिली, हम पहुँच गए वहाँ पे, पूछा उनसे तो उन्होंने आपका नाम लिया। हाँ, मेरी है, मैं उनका भाई बिजेंदर हूँ। हाँ हाँ, और यहाँ का ये मेरी है, वो दुकान तो बन भी चुकी है, अब तो थोड़ा रिपेयर स्पेयर का काम रह रहा। नहीं नहीं, अभी कहाँ बन गई जी, अभी तो चल ही रहा काम उस पर, आज लेबर भी लगी हुई थी, सब काम लगे हुए थे। हाँ, वो थोड़ा बहुत ही रह रहा वहाँ, तो उसे देख लेना, अपनी है वो, अपनी तो है जी वो, तो ठीक है आपकी, लेकिन अजो आप ही इस तरीके का काम करवाएंगे सरपंच साहब, फिर कैसे बात बनेगी भाई साहब? हाँ, 15 तारीख को खत्म हो गया NGT का टाइम। मैं NGT की बात ही नहीं कर रहा जी। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कोई नक्शा पास, कोई कुछ कहानी है जी। नहीं, वो तो वो हमारा काम, आप उस पर क्यों जाते हो गहराई में? जब मैंने कह दिया तो मेरी है, जब आप इस बात को ना सोच रहे हो, गहराई में जाना पड़ता है जी सरपंच साहब। हाँ, कैसे करें बात बताओ।
नहीं, तो पूछ रहे थे ना कई और भी के नाम कर बन रही थी वहाँ पे कई, मैंने की भैया ये फिर सरपंच साहब जी के नाम है, 1000 बन रही है भाई ऐसी। हाँ बनी रही है, सारा इंडस्ट्री एरिया बन गया। हाँ सारा बन गया जी। हाँ लेकिन कमिश्नर साहब के उसके ऊपर करें, जो पहले बन गया, जो बन गया, जो बना पड़ा था, लेकिन अब तो क्या नाम कम से कम उसके ऊपर आप भी इस तरीके से उनका सहयोग करें। चलो करेंगे उनका भी सहयोग। चलो जी बहुत अच्छी बात है जी, करेंगे तो कल कर लेंगे बात। खबर फरीदाबाद से है जहां प्रतिनिधि लगा रहे हैं पलीता, अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है। जहां आपको बता दें कि पार्षद का ऑडियो भी इस पर वायरल हुआ है। आपको बता दें कि यहां पे अवैध निर्माण के चलते तमाम चीजें सामने आ रही हैं। आप जहां कमिश्नर ने अवैध निर्माण को लेकर भी ये भी कहा कि उनके सहयोग करें और मामले की कार्रवाई की जाएगी। निर्माण पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सब कुछ पार्षद और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है, जहां सब कुछ चढ़ावे पर निर्भर है। अब मामले का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो आपको अभी हमने सुनाया था, और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो मनोज, किस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर बवाल मचा हुआ है? मनोज क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी। मनोज, जिस तरीके से अवैध निर्माण को लेकर एक बवाल मचा हुआ है, वो किस तरीके का अवैध निर्माण, कौन से अवैध निर्माण की बात की जा रही है? देखिए बता दो, फरीदाबाद में अवैध निर्माण की बात करें तो पूरे फरीदाबाद में अवैध निर्माण जोरों पर है। फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर यशपाल यादव ने एक मुहिम चलाई हुई है 31 दिसंबर तक फरीदाबाद को स्वच्छ करना है, अतिक्रमण मुक्त करना है। लेकिन जब हमने इस उनकी मुहिम की पड़ताल की तो फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में हमने जाना और देखा कि अलग अलग इलाकों में बकायदा बिना नक्शे के मकान दुकान अवैध निर्माण चल रहे हैं। जब इस मामले में बता दो कि तोड़फोड़ विभाग नगर खत्म कर दिया गया है। जिला जो नगर निगम कमिश्नर है उन्होंने वार्ड वाइज जेई और एसडीओ की ड्यूटी लगाई हुई है कि कहीं भी अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए, यदि होगा तो संबंधित जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जब कई जगह मुआयना किया और देखा कि अवैध निर्माण चल रहे धड़ल्ले से चल रहे हैं, हमने संबंधित जेई को भी सूचना दी, लेकिन जेई और इलाके के पार्षद को भी हमने बताया और जब हम पार्षद से बात की तो पार्षद ने कहा कि हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। उसके बाद हमने इसकी जानकारी संबंधित जेई को भी दी, जेई ने भी इस मामले को संज्ञान नहीं लिया। जी मनोज, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि फरीदाबाद में लगातार अवैध निर्माण चल रहे हैं, तो इसके पीछे भी तो किसी का हाथ होगा। आखिर कौन व्यक्ति है जो अवैध निर्माण के लिए इनको परमिशन दे रहा है? देखिए बता दो कि जिला जो नगर निगम कमिश्नर है पूरी ईमानदार तरीके हैं और साफ तरीके हैं और उन्होंने पूरी मुहिम चलाई हुई है। उनकी इस मुहिम से लोग काफी खुश हैं। फरीदाबाद में जो लोग दुकानों का आगे अच्छे थे उन्होंने अपना आप हटा लिए, रेहड़ी पटरी चालकों को भी साइड कर दिया गया, इस बात को लेकर कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण रूप से फरीदाबाद स्वच्छ हो रहा है, सड़कें साफ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं निचले स्तर के अधिकारी हैं जिन्हें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। जी मैं बता दूं कि हम ये कहें कि बड़े नेताओं का इनका संरक्षण है तो इससे भी कोई विरोध नहीं होगा। बताने की जो हम पार्षद का जब बात की उन्होंने खुद ने कहा कि हमारा काम है, हम अपने आप देख लेंगे। तो आप समझ लीजिए, जब निचले स्तर के जो पार्षद हैं वो इस बात की कहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कहीं कोई बड़ा संरक्षण भी सामने दिखाई दे रहा है। बता दो कि ये फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद की बात है, सारा स्टॉक पर दुकानें बन रही है, निर्माण चल रहा है। वहाँ के पास से भी हमने बात की तो उन्होंने भी ये कहकर टाल दिया कि शहर पूरा शहर में निर्माण हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। झांसी में रेलवे कर्मचारी हुकुम चंद क्रू कंट्रोलर के पद पर नियुक्त हुए हैं। उनका कहना है कि बीते दिनों मेरी चार्जशीट माफ करने के लिए सीनियर डी योगेश कुमार ने दलालों के माध्यम से 3 लाख रुपए के लिए लिए थे, जिसके विरोध में मैंने आवेदन दिया था। जहां इस आवेदन को वापस लेने के लिए उन्होंने मेरे परिवार और अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी की तथा बदतमीजी भी की गई। एक आवेदन उनके खिलाफ मैंने मेरी वाइफ ने दे रखा था, तो उससे संबंधित या किस प्रकार का आवेदन था? वो 3 लाख रुपए इन्होंने ले रखे थे मुझसे, एक
चार्जशीट माफ करने के लिए। अच्छा, रिश्वत मांगी थी? हाँ, रिश्वत तो हम लोग 3,000 रुपए दे चुके थे। 3,000 या 3 लाख? 3 लाख, 3 लाख रुपए दे चुके थे दलालों के माध्यम से, जिसमें बीपीएस चंदेल, लोको इंस्पेक्टर राजीव अग्रवाल लोको इंस्पेक्टर, और आर के श्रीवास्तव सिंह दतिया लाला लोको पायलट मेल, उनके माध्यम से हम अपने दो दोस्तों के साथ जो गवाह रूप में हैं उनके सामने इन लोगों को पैसा दिया। 10-15 दिन बाद ये लोग 2 लाख रुपए की और मांग करने लगे। 2 लाख रुपए और ना देने में असमर्थ होने के कारण इन्होंने मेरी 9 साल की सर्विस ब्रेक कर दी और मेरा झांसी से बांदा ट्रांसफ़र करवा दिया। उसी के संबंध में गलत नियत रखते हुए मुझसे और मेरी पत्नी को इन्होंने चैम्बर में बुलाया, जो मेरे मोबाइल में रिकॉर्डेड है, और वहाँ बुलाकर मुझको जान से मारने की धमकी दी। हमारी पत्नी से बोला, यदि आवेदन वापस नहीं लोगे तो तुम्हारे पति को जान से मरवा देंगे और तुमको अपने अंडर में नौकरी करवाएंगे, कहते हुए छेड़ा छाड़ी, गाली गलौच और धक्का मुक्की करके चैम्बर से भाग गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आलोक, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उन्होंने आवेदन के चलते 3 लाख रुपए तकरीबन दिए थे, तो किस वजह से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी? आलोक, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? तो रेलवे कर्मचारी की पत्नी के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है, जहां रेलवे कर्मचारी ने अधिकारी पे आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनका कहना है कि किसी मामले के चलते उन्होंने उनसे 3 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके विरोध में मैंने आवेदन दिया था और इस आवेदन को वापस लेने के लिए उन्होंने मेरे परिवार और अपने ऑफिस में बुलाया और मेरी पत्नी के साथ छेड़खानी तथा बदतमीजी भी की। सिद्धार्थनगर में जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में शोहरतगढ़ तहसील प्रशासन के साथ महाता गांव में उर्वरक की कालाबाजारी की शिकायत पर छापेमारी की गई और छापेमारी में भारी मात्रा में उर्वरक बरामद हुई। दरअसल एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ खाद की कालाबाजारी तथा तस्करी करने वाले का मालामाल हो रहे हैं, वहीं जिसकी सूचना जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह को मिली। उन्होंने आनंद फानन में शोहरतगढ़ तहसील के महाता गांव में तहसील प्रशासन के साथ में की छापेमारी और शौकत नामक व्यक्ति के घर से लगभग 100 बोरी उर्वरक बरामद की गई। जी, आज शिकायत प्राप्त हुई कि महाता में एक व्यक्ति अपने घर पर यूरिया का डंप करके वहीं से अपने पिकअप से और किसानों को भी बेच रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए तत्काल तहसीलदार सौरतगढ़ के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की गई। वह व्यक्ति शौकत नाम का है। 2 कमरे में यूरिया प्राप्त हुई, लगभग 100 बोरी यूरिया है। उसके संबंध में उसके परिवार वाले कुछ नहीं बता पाए। शौकत से भी प्रधान के माध्यम से संपर्क किया गया, लेकिन वो सामने नहीं आए। तत्काल प्रभाव से उसको सीज कर दिया गया और वो मेरा उर्वरक व्यवसाय भी नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा कोई लाइसेंस उसको निर्गत नहीं किया गया है। संपूर्ण तथ्य से जिलाधिकारी महोदय से अवगत कराते हुए उनसे स्वीकृति लेकर अनुमोदन लेकर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। अलीगढ़ के कोतवाली गलास क्षेत्र के गांव श्यामगढ़ी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता के आत्महत्या करने पर मायके वालों ने ससुराली जनर पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि दहेज की वजह से उसे ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे और काफी महीनों से मृतका को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल रात में रेणु पत्नी रविंदर निवासी श्यामगढ़ी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। इसकी शादी 6 महीने पूर्व मई में हुई थी। मृतका के पिता सियाराम निवासी बिलेट द्वारा इसमें दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसमें पति, सास, देवर और नंद को जो है नामित किया गया है।
अभियोग पंजीकृत हो गया है। अब जी हमें तो माठिया हमें तो 7:30 बजे के पड़ोसी ने बताई, हम पे कोई डायरेक्ट सूचना नहीं आई, पड़ोसी ने बताई कि ऐसी बात है, जानकारी करो लड़की की, हमें जानकारी करी, फोन उठाया, फिर वही दूसरा पड़ोसी आयो रिश्तेदारी को मतलब दुकान ने बताई, जब हम तुम्हारा पहुँचे तो हमें लड़की माठिया धरती पे पड़ी मिली। कांग्रेस की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बैनर तले राजधानी लखनऊ में कान्हा स्टेडियम के पास आयोजित कांग्रेस की मैराथन में हजारों लड़कियों ने कल भाग लिया था। इसमें पहले स्थान पर पूजा पटेल और दूसरे स्थान पर निशा यादव और तीसरे स्थान पर डिंपल रही। इसी कड़ी में आज यूपी कांग्रेस मुख्यालय में पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूटी, मोबाइल और स्मार्ट वॉच विजेताओं को दिया गया। इसी कड़ी में हमारी संवाददाताओं ने विजेताओं से खास बातचीत की। कांग्रेस ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसी के संदर्भ में कांग्रेस ने मैराथन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से लड़कियों ने उस पर सम्मिलित होकर उसमें भाग लिया। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सुमन है। सुमन, ये बताएं कि आप कहाँ से हैं? सर मैं लखनऊ से, लखनऊ में वृंदावन सिटी से। आपका कौन सा रैंक आया मैराथन में? 40 नंबर। तो क्या आपको मिला है? 14 सर। 14 पे आपको स्मार्ट वॉच मिला सर। अच्छा, ये बताएं कैसा लग रहा है स्मार्ट सर? स्मार्ट वॉच पाके तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, उससे अच्छा ये नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जीत सकती हूँ, उनका नारा ये बहुत अच्छा लगा है। ये सब मिला अच्छा लगा, पार्टिसिपेट करके उन्होंने मैराथन रखा लड़कियों के लिए। कितने किलोमीटर का ये मैराथन था? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यस सर। कितने घंटों में आप लोगों ने उस 5 किलोमीटर जो दायरा था पूरा किया? सर टाइम तो नहीं। आप अपना नाम बता दें। रिमझिम वर्मा। अच्छा रिमझिम, ये बताएं प्रियंका गांधी नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसमें क्या बोलेंगे? सर बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने लड़कियों के लिए इतना कुछ किया और आगे हम इस करती रहेंगी, बहुत अच्छा लगा। कौन सा रैंक है आपका? 23। Yes. अच्छा ये बताएं हमें कि आपका आपको मोबाइल पे आके कैसा लग रहा है, इससे पढ़ाई में आपके क्या मदद मिलेगी? सर पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, आगे सारा काम मतलब वर्क या फिर कुछ भी मोबाइल से ज़्यादा हेल्प मिल पाती है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा मोबाइल पाकर। आपका नाम क्या है? सन्नू। सन्नू, आपका कौन सा स्थान आया? 73 आया। अच्छा हम ये बताएं कि ये मैराथन कितने किलोमीटर का आप लोग के लिए? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर के था, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। एक बार प्रियंका गांधी के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं। अच्छा प्रियंका गांधी को आप थैंक यू बोलना चाहते हैं। ये बताएं प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा जो नारा चलाया है लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इसी कड़ी में हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, आप अपना नाम बताएं। माय नेम इज गौरवी। गौरवी, गौरवी आप कौन सा स्थान पाई है मैराथन में? 68। आपको क्या मिला है? वॉच। वॉच, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। अच्छा हमें ये बताएं कि प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस पे क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा है और लड़कियाँ बढ़ सकती हैं, मेहनत करें तो और अच्छा कर सकती हैं, थैंक यू। तो यहाँ मौजूद थी वो लड़कियाँ जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ संवाद के तहत जो मैराथन आयोजित किया गया था उसमें उन्होंने विजेता हुए हैं। तो कैमरामैन नीवेद के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।